दिल्ली और उत्तर भारत के कई इलाकों में ठंड का कहर जारी है। बुधवार को भी राजधानी में ठिठुरन बनी रही। कई इलाकों में कोल्ड डे वाले हालात भी बने रहे। दोपहर बाद हल्की धूप खिली मगर राहत उससे भी नहीं मिली। आने वाले कई दिनों में ठंड का ऐसा ही मौसम रहने का पूर्वानुमान है। दिल्ली में पिछले कई दिनों से ठंड बरकरार है। बुधवार सुबह भी मौसम का मिजाज काफी ठंडा रहा। दिल्ली का न्यूनतम तापमान तो सामान्य रहा लेकिन अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है। दिन के समय हल्की धूप निकलने के बाद मौसम में ठंडक बनी रही। मंगलवार को जहां न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री दर्ज किया गया था वहीं बुधवार को 8.3 डिग्री दर्ज किया गया है। यह सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा है। अधिकतम तापमान में 1 डिग्री से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को जहां यह 19.5 डिग्री दर्ज किया गया था वहीं बुधवार को 18.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यह सामान्य से 2 डिग्री कम है। हवा में नमी का स्तर 97 से 60% दर्ज किया गया है। मंगलवार आधी रात के बाद कहीं कहीं हल्की बारिश भी देखने को मिली है। बुधवार को मुंगेशपुर दिल्ली का सबसे ठंडा इलाका रहा जहां अधिकतम तापमान 14.8 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं रिज में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री दर्ज किया गया है। कोहरे के चलते बुधवार देर रात से देर शाम तक करीब 122 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। इसी तरह वंदे भारत, शताब्दी, राजधानी सहित लंबी दूरी की 100 से अधिक ट्रेनें देरी से दिल्ली पहुंची हैं। इस कारण कई ट्रेनों के प्रस्थान का समय भी बदलना पड़ा। मौसम विभाग ने बताया है कि बृहस्पतिवार को सुबह मध्यम से घना कोहरा रहेगा। दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अधिकतम तापमान 19 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक सुबह के समय मध्यम से गंभीर श्रेणी का कोहरा रहने की संभावना है। इसका असर रेल एवं हवाई यातायात पर देखने को मिलेगा।